अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करूँ तो सबसे बेसिक टास्क रहता है फ्लूड ट्रांसपोर्टेशन क्यों क्योंकि फ्लूड ट्रांसपोर्टेशन हर एक ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं रिएक्टर की बात करूँ तो रिएक्टर में फॉर रिएक्टेंस फ्लूड रहते हैं अगर प्रोडक्ट बन जाए तो वो भी फ्लूड रहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट अलग ऑपरेशन में करना रहता है फिर यूटिलिटीज़ प्रोवाइड हमें करनी रहती है जैसे कि कूलिंग वाटर है स्टीम है ब्राइन है अगर फ्लूड वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे कि पाइप के थ्रू फ्लो होता है तो पाइप का अगर डायमीटर चेंज हो गया तो उसकी वेलोसिटी फ्लो रेट में इफेक्ट होता है प्रेशर ड्रॉप में इफेक्ट होता है अगर पाइप की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सिमिलर प्रॉपर्टी में चेंज आने वाले हैं ये सब बिहेवियर अगर हमें जानने हैं तो हमें फ्लूइड का बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है बैलेंसिंग दैट मीन्स इनपुट कितना है आउटपुट कितना है तो फ्लूड मिकैनिक्स में बेसिकली तीन बैलेंसिंग इक्वेशन है जिसके थ्रू हर एक इक्वेशन डिराइव होए है पहला है मास बैलेंसिंग इक्वेशन सेकंड इज मोमेंटम बैलेंसिंग इक्वेशन एंड थर्ड इज एनर्जी बैलेंसिंग इक्वेशन सो फर्स्ट बैलेंसिंग इक्वेशन इज मास बैलेंसिंग इक्वेशन लेट्स से एक पाइप है और पाइप में फ्लूड का मास फ्लोरेट कितना है और आउटलेट में मास फ्लोरेट कितना है वो हमें बैलेंस करना है हमारा फोकस रहेगा डेंसिटी वेलोसिटी एंड एरिया एट सर्टेन एरिया फ्लूड की डेंसिटी और वेलोसिटी में क्या चेंज होता है वो हम मास बैलेंस इक्वेशन से निकाल सकते हैं तो इसका इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज चेंज इन द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू

दिस इज मीटर पर सेकंड एंड दिस इज मीटर स्क्वेयर सो अल्टीमेटली वुड बी कम अप विथ के जी पर सेकेंड सो दिस इज द इक्वेशन इफ आई एल राइड ऑन द नॉर्मल टर्म्स सो इट इज मास फ्लोर एट इक्वल टू रेनसिटी वैलोसिटी इन टू एरिया राइट सो दिस इज मास बैलेंस इक्वेशन तो बैलेंस करना तो हमें दो लोकेशन डिसाइड करने पड़े लेट्स दिस इज द ऑब्जेक्ट दिस इज ए दिस इज बी तो अगर दोनों लोकेशन पर मैं बात करूँ तो बैलेंस है दैट मीन्स बोथ द थिंग्स आर सिमिलर सो मास बैलेंस एट बोथ द एंड एंड ए एंड बी विच इज एम एच इज इक्वल टू एम बी आई कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एज वेल दैट इज डेंसिटी वैलोसिटी इन टू एरिया विच इज इक्वल टू डेंसिटी वैलोसिटी इं टू एरिया एट बी इफ आई फर्दर गो विद दिस इक्वेसन सो rho a this is cylindrical shape so area would be pi by 4 d square this is rho b u b pi by 4 dp square so this term will get cancelled so we can get the equation is rho a u a divided by rho b u b which is equal to d b divided by d a whole square so this is the equation if i'll talk about the incompressible fluid That means density will be constant, so this density term will get change will get, so this density term will get cancelled, and we are going to get ratio of velocity which is equal to ratio of the diameter whole square. So let's say that at the first a stage velocity is three meter per second, and we have to find out velocity at b location. Let's say that diameter at a

and acceleration is also uh, the change in the velocity it will put down this acceleration value in this f equal to ma equation we are going to get derivative form of mv divided by dt where this mv is nothing but the momentum from this equation we can say that

सो फर्स्ट फोर्स इज द ग्रेविटी फोर्स ऑब्वियसली वेन फ्लूड विल बी फ्लो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहने वाला है विच इज कॉल टू बी एम जी एम विच इज रिप्लेस बाई रो वी इंटू जी सेकेंड फोर्स इज प्रेशर फोर्स तो कोई भी फ्लूइड फ्लो होगा उस पर प्रेशर लगने वाला है विच इज प्रेशर फोर्स पी इंटू ए थर्ड वन इज विस्कस फोर्स इफ फ्लूड इज रियल फ्लूड ऑब्वियसली विस्कस फोर्स विल बी देर दैट इज विस्कस फोर्स एफ भी इक्वल टू टाव इंटू ए fourth force is turbulent force uh, which is ft it is denoted by ft if there are any changes in the direction so the turbulence will be created so that is turbulent force and final is elastic force which is indicated by fe and it is uh, applicable in the compressible fluid so these are the five forces gravity force pressure force viscous force turbulent force and elastic force which are applied onto the fluid whenever it is transferred through any of the object जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आता है नाउ लेट्स कंसिडर सर्टन केसेस नाउ केस वन विच इज अगर हम एज्यूम कर ले कि हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूड है आइडियल फ्लूड दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हमारा फ्लूड है इनकम्प्रेसिबल मोस्ट ऑफ द लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल तो इलास्टिक फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा और स्ट्रीम लाइन फ्लो है स्ट्रीम लाइन फ्लो दैट मीन्स वॉट आर द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इट इज नॉट बींग इन्फ्लुएंसड बाई द अदर स्ट्रीम

दैट इज चेंज इन द डेंसिटी इन टू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू चेंज इन द प्रेशर प्लस रो इंटू जी दैट इज ग्रेविटेशनल सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे मोमेंटम में चेंज आएगा लेट्स कंसिडर केस टू इन प्लेस ऑफ आइडियल फ्लूड विल कंसिडर द रियल फ्लूड सो विस्कस फोर्स विल बी देर एंड रेस्ट द एजम्पन्स आर सिमिलर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड एंड स्ट्रीमलाइन फ्लूड सो वो केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स के अलावा एक और फोर्स आएगा विच इज विस्कस फोर्स तो ये तीनों फोर्स की वजह से जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो वो इक्वेशन हमें जो साइंटिस्ट ने दिया दैट इज नेवियर स्टोक इक्वेशन तो नेवियर स्टोक इक्वेशन एज कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज रोड डी वी बाय डी टी विच इज अगेन फॉर द थ्री डायमेंशनल सब्सटेंशियल इक्वेशन ज इन द प्रेशर एज वेल एज ड्यूटी थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन विच इज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन उसको बोलते हैं बर्नोल जिसका फ्लूड मैके एप्लीकेशन का यूज है जैसे किस मीटर तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बर्नोल इज इक्वेशन बाई स्केमेटिक डायग्राम लेट्स इट इज एलिवेटेड फ्रॉम द्राउंड सर्फेस और यहाँ पे फ्लूड का फ्लो डायरेक्शन है दिस इज़ दैट से एंट्री दिस इज एक्जिट और इनपुट एंड आउटपुट तो जब भी ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो ऊपर करेगा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने से एक प्रेशर लगेगा उसको डाउन साइड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से इनपुट और आउटपुट में हम वैलोसिटी की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होगी नाउ लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन एज वी आर डूइंग एनर्जी बैलेंस सो एनर्जी बैलेंस एट इनपुट विच इज ए ए एंड एट आउटपुट विच इज बी सो सबसे पहली आती है कि जब फ्लूड एंटर करता है तो उसका कुछ प्रेशर रहता है सो दैट इज प्रेशर एनर्जी देन उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहती है विच इज एट सर्टन एलिवेटेड पॉइंट विच इज जी इन टू जेड एंड फाइनल बिकॉज ऑफ सर्टन वैलोसिटी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है विच इज यू स्क्वेयर बाई टू लेट राइट ऑन दिस इज जेड ए पी ए यू ए नाउ वी हैव टू बैलेंस ओके सो आई राइट डाउन इक्वेटिंग एंड सिमिलर थिंग विल बी अप्लाई एट द आउटलेट विच इज पी बी बाई जेड रो प्लस जी जेड बी प्लस यू बी स्क्र बाई टू तो ये फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी सेकेंड टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिटीट का एनर्जी ऑफ ऑल द एनर्जी शुड बी इक्वल एट एनी पॉइंट तो अगर इसमें से हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है एट सर्टन पॉइंट सो बाई बैलेंसिंग दिस एनर्जी इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल एनर्जी सो दैट वॉज ब्रीफ अबाउट ऑल द्री बेसिक इक्वेशन ऑफ द फ्लूड फ्लो इन दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इफ यू वॉन्ट सम डेरीवेशन ऑफ दिस थ्री इक्वेशन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आई शेयर द डॉक्यूमेंट विथ यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो